बच्चा लोग सिक्किम को मयल्याम कहते हैं। हमारा लीग जो है क्रिएशन में पेटर मॉडल में एक लड़का और लड़की को ये फैट जो इनिमेन बोलता है हमारा उसमें फट ऊ नी सिकमत लौ ऐसा करके ये इसको मिला के जब डोंकिंग और डोंकिंग का मतलब है शुरू का लड़का और नजोंगियों का वो सबसे पहले थे लड़की। इन दोनों को भाई बहन के रूप में बना के कंचनजंगा के गोद में नए महल क्यों बोलता है एक सीक्रेट प्लेस बना के उधर रहने के लिए जब तक तुम दोनों को ह्यूमन बीइंग जब तक जेनरेशन नहीं आएगा तब तक तुम दोनों एक दूसरे को नहीं बोलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए ऐसा करके वो दोनों को भेजा। हम लोग कंचनजंगा का बोध का जितना भी पहाड़ पर्वत वैली है इसको कीप से हम लोग जन्म लेके आए हूँ। लच्चा का जो है मोतंची रोम कब जो है शिमो का मतलब है ह्यूमन मो का मतलब है माँ तंची का मतलब है रिलेशन एकदम साथ में वो मोतंची शिमोतंची रोम कब का मतलब है वेट करके रहने का उसका वचन से रोम कब हो गया और अचुले का मतलब है हम लोग कंचनजंगा का गोप का जितना भी वैली है उधर से हम लोग जन्म लेके आए हैं। जब खुदाउथिंग और नजोंगियों को इस मयल्यांग में पेटर मदर ने रहने के लिए इधर भेजा तो उसी टाइम से वो नजोंगियों और खुदाउथिंग के पास भी बेम्बो का जितना भी ये लूम बनाने के लिए हैंडीक्राफ्ट करने के लिए के उन लोगों के साथ भी उस टाइम से क्रिएशन के टाइम से था। हम नजोंगियों और खुदाउथिंग के टाइम से ही हम बेम्बो को यूज करके आए हैं। यहाँ पे ज़्यादा बेम्बो 3000 से बेम्बो का वैरायटी में होता है पो होता है जंग और प्रोंग और फॉक और मतलो रुगवीत ऐसे पसोंग 3000 से लेके 6000 तक होता है लेकिन 6-7 से लेके ऊपर ये पो नहीं होता है और पजंग भी नहीं होता है। फिर 8-9 लेके 10,000-14,000 तक हमारा जो बेम्बो का टाइप में मिलेगा वो छोटा वाला एक होता है इसको पसोंग बोलता है वो 13-14 अल्टीट्यूड तक मिलता है। उसके नीचे मिलता है कि पुरमो और फ्यू और उसके बाद पयोंग और प्रोंग प्रोंग लो बेल में भी मिलता है और हाई अल्टीट्यूड में भी मिलता है। उसके बाद बाहर से जो आया है इधर ये अभी भी यूज़ करता है गैसी बोलता है एक्चुअली ये चाइनीस मास बोलता है इधर ये यहाँ का लोकल नहीं है। तो ऐसे 10-12 वेराइटी हमारा मेलियांग नहीं तो ये जंगू के आसपास में ज़्यादा मात्रा में मिलता है। हम लोग जंगल में जाके जब पका के खाने के लिए कोई बर्तन का जरूरत नहीं है ये विद जो बोलता है वो जो बोलता है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के चावल उधर डाल के आग के ऊपर लगा देने से वो जो राइस हो जाता है और सब्जी भी ऐसा करके डाल के ऊपर से वो जो लीप होता है वो लीप डाल के उससे आग आग के ऊपर लग देने से वो भी पक जाता है। ये तो खाना पकाने में हो गया और खाने के लिए जब जंगल जाता है तो ऐसे नया सूट को काट के हम लोग उसमें टी और ये जो पानी का कोई कुछ कुछ ड्रिंक का वैरायटी जो है वो यूज़ कर सकता है। ये जो पो है रुग्वित है प्रोंग है और ये जो पुरमु है परम्यक है इसका जब सूट निकलता है वो सूट को भी निकल के हम लोग खा सकते हैं उसका चटनी भी बनता है उसका और दूसरा दूसरा टाइप का ये सब्जी बना के उसको रख के
धीरे से हम लोग यूज भी कर सकते हैं खाने के लिए। एग्रीकल्चर के लिए जब मैच हार्वेस्ट होता है, कदम हार्वेस्ट होता है, मेरे जो भी हो हार्वेस्ट के टाइम में हम लोग दो तीन जो टाइप का होता है, एक होता है ये हेट में लगा के हेट से कैरी करना है और दूसरा है ये रुखसेट जैसा होता है वैसे लेके ये कर सकता है। और जो छोटा वाला सा मेरे और जो पैडी है ऐसे यूज करने के लिए ये बर्तन जैसा जो होता है मतलब हम लोग कंगाल बोलता है उसको, उसमें पानी भी थोड़ा सा रुक जाता है उसमें, ये वाला यूज करता है एग्रीकल्चर के लिए। और जब खेत में जब काम करता है वो बेम्बो का स्ट्रॉन्ग वाला स्टिंग को काट के हम लोग ये खेत करने के लिए भी वो भी यूज कर सकता है। और कुछ ये जो लगाने के लिए भी उसका स्टिक जो बनता है स्टिक भी हम लोग बना सकते हैं एग्रीकल्चर यूज में। हंटिंग के लिए वो एरो ये सब बना सकता है बेम्बो से, उसमें एक मिडल अल्टीट्यूड में मिलता है जो पयंग बोलता है नेपाली में गोपे बोलता है, वो गोपे को बो के ऊपर छोटा लगाने से भी उसका काफ़ी एक मतलब उसका डेंजर टाइप का एक ये जो हथियार बनता है। और शिकार में रिवर में जाके मछली पकड़ता है, मछली पकड़ने के लिए एक बास्केट जैसा होता है, ये जब ऊपर से मछली नीचे आता है उस टाइम में वो जब छोटा छोटा सा फल्स होता है स्टीम का फल्स, वो फल्स में जाके छोड़ देता है तो उसे उसमें गिर जाता है। इसके लिए फिर मछली जब एक निकलने के टाइम में जब होता है वो ऊपर चला जाता है, उसमें फिर एक बास्केट का जो बना के नीचे तरफ का मुख होगा अंदर से फिर उल्टा करके बना के जब अंदर घुस जाता है निकलना नहीं सकता है, ऐसा जो होता है हम लोग फिर बोलते हैं उसको। ये वाला फिशिंग के लिए कांटा बनता है और फिशिंग के लिए जो उसका स्टिक जो है स्टिक बनता है, बहुत सा ये फिशिंग में भी है। पूजा में जब बेम्बू का जब पैटर्न बनाता है ये बुकिंग के ऊपर है कि क्या पूजा करेगा उसमें क्या क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए बेम्बू में जैसा कोई चीज़ चढ़ाने के लिए जब कंचनजंगा का पूजा करता है कि यहाँ का नेचर गॉड को जितना भी है इसमें है कि जो लोग दूध खाता है उसको दूध देता है, ची खाने के लिए ची देता है, और ये जंगल का जितना भी बीज का ये जो मक्खन जो है मक्खन खाने वाला जो है उसको मक्खन देता है, और कई लोग पानी का एक आइटम देता है और टी का एक आइटम, टोटल करके 5 आइटम को कलेक्ट करके एक छोटा सा बेम्बू के कप बना के उसके ऊपर डाल देता है। लेकिन उसके बाहर पे एक करता है उसको पुचुम बोलता है कोई एक बोलता है, और फिर उसमें एक ऐसा क्रॉस करके होता है उसका भी वो कुचुम को एक बना के उसको पूरा सजा के देता है। और बच्चे की पूजा होने के टाइम में लॉन्ग लीफ के लिए उसको कोई इसमें प्रॉब्लम हो गया तो छोटा सा बास्केट बना के एक मुर्गी का जो फेदर निकाल के वो उसमें डाल के घर के अंदर एक साइड में ऐसा लगा देती है। और क्रॉप्स का जो पूजा करता है क्रॉप के पूजा के टाइम में भी बड़ा बड़ा कंटेनर बना के ये चीज लगा के और स्टॉव जो बनता है वो लगा के वो देना पड़ता है। ये हमारा बुकिंग का ये जो जितना भी मन का ये पुदीन का जो थ्रो से जो पूजा करता है कि ये जो कंटेनर बना के ज़्यादा से ज़्यादा 3 कंटेनर बना के उसमें मतलब चीज डाल के वो ऑफर करता है, उसमें भी ये कुछ ये बना के उसको लड़की है तो ये जो लूम का जो चीज बनाता है उसको एक ये डेड बॉडी के साथ भी वो लगाना पड़ता है, कम जो बनाता है बेम्बू का वो कम भी बना के डालना पड़ता है।
और लड़का है तो उसका ये जो नेट का जो कवर होता है वो बेम्बू का बना के उसको लगाना पड़ता है। महर्षि के सराउंडिंग में जो फ्लैट लगाता है वो सब बेम्बू का यूज करता है। हम लोग तरमा बोलता है, वो तरमा बनाने के टाइम में उसके ऊपर कैंडल का कुछ कुछ फ्लावर जैसा बना के उसको लगाना पड़ेगा, तो उसके यूज में ये जो बेम्बू का पीस निकल के उसको यूज करता है। और महर्षि में बेम्बू का जो पानी भरने के लिए और ये जो कंटेनर है कुछ ये और ये जो टिपसिंग हिप जो बोलता है वो यूज़ करता है। तामा लोग को ये जो छोटा छोटा सा पुस्तक का जो कवर होता है वो कवर भी वो बेम्बू का बना के यूज़ करता है। और कोई ऐसा मतलब मंत्र कुछ लिख के रखना है तो वो छोटा छोटा वो बेम्बू काट के उसका पोका काट के उसमें लिख के भी उसको यूज़ कर सकता है। छोटा छोटा सा स्टिक कोई चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ गया तो वो बेम्बू का महर्षि में या तो घर के अंदर कोई लामा लोग पूजा करता है तो वो यूज़ करता है। परंपरा में ये बोलता है कि क्राफ्ट के लिए इसका नॉलेज कहाँ से शुरू हुआ। एक तो ही है जंगल पे ये जो बेम्बू है, बेम्बू को काट के सब में यूज करते करते आया तो उसमें घर पे चलाना, वो मतलब बाहर जाके खेत में चलाना, उसके बाद धीरे धीरे से थोड़ा जब हम ये जो एक्चुअल कम्युनिटी में थोड़ा ध्यान आ गया, उसके बाद गांव का जो बुजुर्ग लोग लीडर लोग और बुंगथिंग लोग पहनने के लिए एक टोपी बन गया और वो शिकार का जो एक कैप होता है। लेकिन ये जो शुरू हुआ तो उसमें एक पैटर्न डाल के वो पैटर्न को बोलता है समोक सबक। वही समोक सबक का मतलब है कि हमारा लेप्चा क्राफ्ट में है सबसे शुरुआत का पैटर्न जो है उसको समोक सबक बोलता है। तो ये समोक से जितना भी वो स्टेप निकल के जब हैंडीक्राफ्ट का जो ट्रेडिशनल नॉलेज आके धीरे धीरे से बहुत सा मतलब हमारा नेट में होता है और ये जो विनोइंग का जो होता है उसमें भी एक ही सेम होता है। लेकिन उसको बनाने में कोई ऐसा गुरु नहीं है, क्योंकि उस टाइम में जब शुरुआत हुआ सबको ये यूज़ करता था। अब मेरा कोई ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर जानते हैं तो वो फादर को भी सीख लेते हैं, फादर से फिर वो नीचे का जो है जनरेशन ऐसे करते करते वो मतलब गांव में ऑटोमेटिकली वो जितना भी हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए ये सब उसका मतलब सीखना ज़रूरी पड़ता है। बेम्बू का यूज़ जो करता है हम लोग, जब जंगल में जाके बेम्बू काटना पड़ेगा तो उसका थोड़ा वो डे वाइज होता है, कौन कौन सा डे में वो काटने से फ्यूचर में उसका कोई इंसेक्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है वो देख के उसको करना पड़ेगा। ऐसे जाके घर बनाने के लिए कुछ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम बनाने के लिए जब निकल के जंगल में जाके काटने से ये नहीं होगा, एनवायरमेंट होता है। तो उसी टाइम में ये जो हैंडीक्राफ्ट का जितना भी सामान है कोई लड़की लोग ये हैंडलूम करने के लिए वो बेम्बू के नेचुरल जो बना हुआ होता है कि उसमें धागा ऐसा लगा के कोई यूज़ करता है उसको मतलब बनाने के लिए वो मना कर देता है, जब तक वो डिलीवरी नहीं हुआ उस तक ये चलाने का यूज़ करने के लिए वो स्टॉप कर देता है। वो कपल जो है ऐसा है तो लड़का लोग भी ये जो कैन कहो ये तो बेम्बू का जो स्टेप निकल के उस जगह पे जाके उसको टाइट करने के लिए मतलब काम जो होता है वो नहीं कर सकता है, और
फील्ड में जो किचन गार्डन में उस फील्ड में जाके कोई बीन टाइप का कुछ उसको स्टिक लगाने के लिए जो होता है उसको भी यूज करने के टाइम में ये जब लगाता है कि जब बटन को ऊपर करके ऊपर का नीचे करके ये नहीं कर सकता है और ऐसे वालर का भी मतलब कुछ कुछ ये बेम्बू के लिए जब काटने के लिए जंगल में जाके ये जो बेम्बू का सूट बचा के लेके आता है वो उसमें भी मनाई करता है। ये ऐसा हमारा बिलीफ का जो है उसमें एक तो ऐसा ये प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम है। और जंगल में जाके जब काट देंगे बेम्बू को तो काटने में भी देख के काटना पड़ेगा कि यंग सूट का अलग से यूज करने के लिए कैसे यंग को काटना है और बीस वाले का यंग जो होता है उसका किस काम में आएगा वो देखना पड़ेगा और उसके बाद जो दो तीन साल से ज़्यादा का जितना है उसको ये मोटा और इसका ठीक जो है ये अच्छा होता है उसको सेलेक्ट करके काट के लाना पड़ेगा। हमारा जितना भी क्राफ्ट है जैसा प्लेट ऐसा मॉक और घर के अंदर यूज करने के लिए बास्केट बनाने के लिए चावल डालने के लिए और चावल से थोड़ा बड़ा वाला जो सब्जी डालने के लिए थोड़ा वो भी अलग होता है और ये सब बनाने के लिए जब ला के उसको जब पीस करेगा करके उसको फिर आग के उसमें रख के थोड़ा सुखाना पड़ेगा। और यंग सूट जो है यंग सूट का ज़्यादा मात्रा में उसको काट के उसका जो बास्केट जब बनाएगा उसका वो यंग सूट का होगा लेकिन ये जो जो तीन साल दो साल आगे से जो स्ट्रॉन्ग वाला जो है उसको नहीं होता है। लेकिन ऐसे ही कुछ स्ट्रॉन्ग वाला कुछ बनाने के लिए वो उसको काटना पड़ेगा। कैन के लिए और बेम्बू के लिए जितना भी क्राफ्ट बनेगा उसमें शुरू में तो ये जो पैटर्न का शुरुआत तो हो गया कि स्मोक स्मोक ये जो स्मोक कैप जो बोलते हैं लो कैप ये मतलब एक टाइप का कैप होता है तो स्मोक कैप में है स्मोक स्मोक एक स्मोक होता है वो लड़की है मेल को बोलता है स्मोक और स्मोक कैप जो है वो स्मोक स्मोक का बच्चा तो उसके साथ साथ एक पैटर्न होता है ईमिट कोई इंसेक्ट का ये जो आई होता है और उसमें रंगकुम जो बोलता है जो भी चीज़ बनता है कि फिनिशिंग देके जो बनता है उसको अफेयर और रंगकुम बोलता है। जैसा ये बास्केट में है एक तंजंग बोलता है तंजंग में और तंजंग में जो स्टेप ये जो पैटर्न है वो गोल गोल करके भरा जो होता है उसको बोलता है निकलियों और फिर उसको थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा छोटा वाला थोड़ा थोड़ा सा लंबा गैप करके वो एकदम क्लोज होता है उसको ट्रसिप बोलता है। और नीचे से लेके ऊपर तक ये बना के फिर ऊपर का तरफ आके फिनिशिंग जो देते हैं उसको अफेयर जो बोलता है उसमें तो ये जगह पे रंगकुम भी आता है। और ये सबक सबक का जितना पैटर्न है वो जो नेट जो बनाता है बेम्बो का नेट और विनोइंग बनाता है उसको देख के पता चलता है कि ये सबक पैटर्न है। हमारा ट्रेडिशनल जो ड्रेस होता है ड्रेस में ये जो कपड़ा बोलता है और ये जो व्यंजन में ये नेचर जो बोलता है उसमें एक पैटर्न होता है। जितना भी लच्चा का जो मेल जो पहनता है वो पैटर्न में कैप के ऊपर स्मोक स्मोक और स्मोक कप जो है वो पैटर्न को भी लूम में डाल दिया है। और बंकिंग का जो बेम्बो का जो क्रॉस जो बनाता है वो पैटर्न को भी वो ड्रेस में उधर लगा दिया है। और हंटिंग की उसमें जो बनता है तीर हम लोग सोलर टेप बोलता है वो सोलर टेप को भी वो ड्रेस में लगा के खास मेल लोग जो पहनता है ड्रेस उसमें तब दुम में उसका पैटर्न आता है।
आज से 60-70 ईयर्स पहले तक जो हमारा बुजुर्ग लोग ग्रैंडफादर लोग जो यूज करता है वो अभी भी कहीं कहीं गांव पे बेम्बो का ज़्यादा सामान जो यूज करता था वो मिलता है। बचपन में मैंने देखा कि वो जब खेत में जाता है कि कोई मुख का जरूरत नहीं पड़ता था, उधर जाके बेम्बो को काट के ऐसे काट के उधर भी ये जो पीने के लिए वही यूज़ करता था। धीरे धीरे से क्या देखा, ये जो एल्यूमिनियम का जो प्लेट मतलब बाजार से खरीद करके लाया, ये क्यों खरीद करके लाया कि ये एल्यूमिनियम का गिरने से भी नहीं टूटेगा और इसको जहाँ भी लेके जाने से भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो एकदम हल्का होगा। तो धीरे धीरे से वो बेम्बू का जो है वो सब थोड़ा थोड़ा सा मतलब हट के गया। जो लोग गांव में बैठ के काम करता है उन लोग का पास है कि हैंडीक्राफ्ट क्या क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, इन लोग का थोड़ा थोड़ा सा मालूम है, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा वो लोग का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। वो लोग सोचता है कि मेरा ये बनाने से दूसरा काम छोड़ जाएगा, तो इसीलिए ये यूज करने के लिए भी तो है, मार्केट से हम खरीद करके ला के आए हैं, ऐसा सोच के ये बेम्बो का कोई वुडन का जो बनाने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट इधर भी कम हो रहा है। यंग जनरेशन जो है कई प्रॉब्लम है कि एजुकेशन लेने के लिए प्राय मतलब गांव से बाहर होता है। धीरे धीरे से वो लोग नया नया लैपटॉप मोबाइल कुछ कुछ ऐसा सीखते सीखते वो लोग नया रास्ता में ये लोग चला जाता है। उस टाइम में क्या होता है कि ये जितना भी हमारे हैंडीक्राफ्ट का जो है हैंडलूम भी जो भी हो, इसका नाम ये बचपन से नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं बोला, इसीलिए वो पढ़ते पढ़ते वो मतलब एकदम आगे चला गया। फिर बैक टू अपना विलेज में जब आता है कि हमारा बुजुर्ग लोग हमारा एंसेस्टर लोग ऐसे ये यूज़ करता है, अभी हमारा गांव में कोई टूरिस्ट लोग आता है ये क्या है बोलने से, ये हमारे एंसेस्टर लोग ऐसा ऐसा यूज़ करता है ऐसा बोलने से, जब उस टाइम में ये हमारा अभी का यंग जनरेशन लोग को भी वो याद आता है कि इसको प्रिजर्व करना है। अभी जब एक 20 में एक बार ये गैप हो गया, लेकिन अभी का हमारा लेप्चा कम्युनिटी में जितना भी यंग जनरेशन लोग है अपना कल्चर ट्रेडिशन के ऊपर हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के ऊपर पूरा इन लोग का सीखना जो इंटरेस्ट जो है वो रिवाइव करने के लिए इन लोग का इंटरेस्ट है।